हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया मॉडिफायर का क्लास। आज के क्लास में एक नया मॉडिफायर सीखेंगे। अभी तक काफ़ी सारे मॉडिफायर्स हम सीख चुके हैं, जिनका आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप जा कर के उस प्लेलिस्ट से सारे मॉडिफायर्स जो भी अभी तक मैं सिखलाया हूँ वो देख सकते हो। चलिए तो आज के क्लास में हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मॉडिफायर पे जाने से पहले मैं इसे जो आज सिखलाने वाला हूँ उसके लिए मुझे इसका कॉपी करना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आप कॉपी कर लेते हो, दूसरा ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी, इसकी जगह पे आपका अपना कोई भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। ये अभी फिलहाल मैंने ऐसा कुछ अपना मॉडल ऐसा कुछ लिया है, इसकी जगह पे आपका कोई भी मॉडल हो सकता है। आप अपने मॉडल में कुछ पार्ट्स को आप स्केल करते हो, कुछ करते हो। मान लो मैंने इससे ऐसा कुछ स्केल किया, ठीक है, इसकी जगह पे थोड़ा सा और ले लेता हूँ ऐसा कुछ, इसे मैंने ऐसा कुछ स्केल किया, ठीक है। देन मतलब अपना मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ इसे देखिए, ये जो बाकी का बचा है इसे मैं थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा पहले कुछ करके ऐसा कुछ आपको, ठीक है, ऊपर वाले में ये थोड़ा सा ऐसे है, कुछ भी हो सकता है मेरा डिज़ाइन का पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, ये है। और इसे मैं, इसी चीज़ को अब मैं इस वाले पे कितना परसेंट मुझे लाना है, इसी चीज़ को इस पे वो मैं कैसे करूँगा, कुछ परसेंट इसका लाना है या कुछ इसके थ्रू कुछ और करना है, तो उसके लिए आपका एक यहाँ पे मॉडिफायर ऐसा कुछ, जाओगे मॉडिफायर में पी प्रेस करोगे, दो बार करोगे, देन आप यहाँ पे आ जाओगे प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रिजर्व मॉडिफायर। इससे पहले ये सब मैंने बताया, इधर कुछ एक दो रह रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाकी लगभग ऊपर के सब बता चुका हूं। तो आज हम चलते हैं प्रिजर्व पे, आज हम सीखेंगे प्रिजर्व। ये कुछ इसके ऑप्शन है इसमें, जैसा कि सबसे पहले आपका पिक ओरिजिनल आता है। पिक ओरिजिनल पे ऐसा कुछ आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो आपने का जो मेन मॉडल है उस पे ऐसा कुछ आप क्लिक करते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका जो बेस मॉडल होता है, जो एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऐसा कुछ अलग शेप ले लेता है। आप यहाँ से अब इसको देखिए, ऐसा कुछ देखिए, मतलब कितने सारे ये शेप लेता जा रहा है। देखिए इसको मैं, ये आप 2000 तक ऐसा कुछ वैल्यू ले जा सकते हो, 2000 से ऊपर नहीं जाएगा। वैसे 25 होता है इसका, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। मान लो मैं ऐसे कम भी कर सकता हूँ, 0 कर दूंगा तो ये जैसा ये था स्फीयर वैसा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखिए ये थोड़ा 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 ऐसे चेंज होना ये चालू हो जाएगा, देख रहे हो। ये बिल्कुल आप ऐसा कुछ करके ये 2000 तक जा सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये गड्ढा जैसा हो गया, ऐसा कुछ है, काफी अलग आपका बन गया। इस तरह से आप अपने मॉडल्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। ये देखिए अभी मैं कम कर रहा हूँ इसके साथ, तो आप देख सकते हो। मान लो मैं ये 1500 किया, देख रहे हो 1500 है, और भी मैं इसे, आप अभी मैं बस टूल्स बता रहा हूँ कि कैसे आपके मॉडल्स में ऐसा कुछ चेंजेस होंगे। ये देखिए जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, यहां पे आपका बाकी के ऑप्शन है सेलेक्टेड वर्टेक्स, ये देखिए राउंड हो गया। यहां पे भी आप कर सकते हो, इसके थ्रू आप अप्लाई होल मेश। अब यहां पे बाकी के भी, यहां पे एज लेंथ है, फेस एंगल है, वॉल्यूम है, इनके थ्रू भी आप मॉडल्स को देखिए कितना, देखिए चेंज जो हो रहा है अभी बताने की आप खुद ही समझ सकते हो। देखिए बीच का जो ये गायब हो गया था, ये कैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ कैसे, और ये लो पॉली जैसा काफ़ी होगा। और ये देखिए कैसा कुछ आपका एडिट हो रहा है, देखिए इसको मैं, देखिए काफ़ी चीज़ें कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इनके थ्रू, ये देखिए मैं बढ़ाता जाऊँ, काफ़ी आपको इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। मेनली जो बताना था आप मुझे, ये आप इसके साथ काफ़ी कुछ प्ले करके कर सकते हो। ये ठीक है, काफ़ी कुछ आप प्ले कर सकते हो।
बहुत ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको यूज होगा हर जगह, लेकिन कहीं पे आपको ज़रूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हो आराम से। ये चाहूँ मैं हटा भी दूँ, ये देखिए बिल्कुल हटा दूंगा इसे भी, तो ये जीरो हो जाएगा, इस वैल्यू का कोई काउंट नहीं रहेगा। तो इसके थ्रू भी हमें ले करना होता है, ठीक है, जितना वैल्यू हम देते हैं इसे वो उस हिसाब से हमारा डिज़ाइन जो है, ये देखिए। तो इस तरह से आप प्ले कीजिए, ठीक है, अपने मॉडल्स के साथ भी सेम शेप के थ्रू आप अपना दूसरे स्फीयर है कुछ कोई भी शेप में आप उसका उसके थ्रू प्ले करके कोई और शेप निकाल सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज कीजिए, आपको बहुत कम जगहों पर, लेकिन हाँ कहीं कहीं यूज आपको बेनिफिट इसका मिल सकता है इस प्रिजर्व का। अच्छा लगा है क्लास तो लाइक कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है चाहे वो प्रिजर्व से रिलेटेड हो या कुछ और हो आप कमेंट कीजिए, बिंदास कमेंट कीजिए, कहीं और किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी है कमेंट कीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा के लिए आपको अपडेट मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मॉडिफायर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।